माइक की वजह से वॉइस क्वालिटी थोड़ा खराब हो गई है, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ फ्रूट के ऊपर रश नहीं है, समझ अगर नहीं आ रहा, फ्रूट काफी महंगे हैं, इस वजह से यहाँ पर लौकी का जो लौकी जो कुआ का शरीफ है वो जवाब दे चुकी है। व्यूअर्स, अभी मैं जिस रोड से गुजर रहा हूँ ये वो रोड है जहाँ इफ्तारी के वक्त बहुत रश हुआ करता है। यहाँ पैदल चलने वाले के लिए बहुत दुश्वारी का सामना होता है अब, लेकिन अभी इस बार हालात इस तरह हो गए महंगाई की वजह से यहाँ बिल्कुल देखने को रश बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा। इस तरह मैंने आपसे जिक्र किया कि फ्रूट्स के ऊपर रश नजर देखने को नजर नहीं आ रहा, आवाज की कहने की वजह से आवाज हो चुकी है और महंगाई है सर बिल्कुल सरसर से बोल रही है। एक चले वाले से बात करते हैं कि मैं देखता था यहाँ पर पिछले सालों में यहाँ पर अच्छा खासा रश हुआ करता था और यहाँ पर तरबूजे और ये खरबूजे काफी मकदार पर मौजूद हुआ करते थे, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि इनके पास बिल्कुल ना होने के बराबर है। आइए इन साहब से बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर रमजान मुबारक हो, बोलने कैसे जा रहे सर? ठीक है सर, अब मैं क्या देख रहा हूँ कि इस बार आपका जो है ये बिल्कुल खाली है और रश नजर नहीं आ रहा। ठीक तो आप क्या कह रहे हैं भाई? महंगाई इस बार कुछ ज्यादा ही है, 13 लाख रुपए की गाड़ी आ रही है, सिंध की माल है वो, कच्चा है सारा, बीमार भी है। ये माल आया तुरबत का, ये 1500 रुपए का दाना पड़ा है, 8 से 9 किलो का दाना है, इसमें 5 किलो का दाना भी है, 4 किलो का दाना भी आ रहा है और समझ से बाहर है। इस बार अल्लाह खैर करे, आगे देखते हैं आखिरी 10 अशरे में अगर कुछ हरकत आ गया तो। अभी ये आ रहा है आजकल, ये समझ से बाहर 180-175 का मार्केट से पड़ रहा है, यहाँ 200 रुपए चल रहा है, 200 रुपए का 150। बहुत अला लगा, इक्का दुक्का कस्टमर भी इनके पास आ रहे हैं। ये तरबूजा ये जो आप देख रहे हैं ये तुरबत से ये लाया गया है, तुरबत का है। अगर इस तरबूजे की छिलकी की बात करें, कलर की बात करें, तो ये आपको आपने देखा होगा पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम का भी किट भी इसी कलर का है। फिर इनसे बात करते हैं, ये कस्टमर को फारिग कर दें, इनसे मजीद कुछ पूछते हैं। आप देखते रहिएगा, ये बेचारे भी परेशान है इस क्योंकि इनकी सेल सही नहीं हो रही है। यार हुकूमत तो कुछ भी नहीं कर रहा, हुकूमत अपने कामों से फारिग हो जाए तो इन जरा आवाम की तवज्जो देना। यहाँ मिनिस्टर आते हैं, काट के पर्ची चला जाते हैं, भाई हमारे लिए मसले बनाए हुए, हमारा तो दिल कर रहा है कारोबार ही बंद कर दे इस बार। बहुत शुक्रिया, इस बार हालात ऐसे हैं कि कारोबार बंद करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें कि हमारे पूरे ट्रक आते थे 3000-4000 दाने आते थे, अब 100-100 दाने आ रहे हैं। बस सर हम जो निकलते हैं अब तो अल्लाह आसानी कर सकते हैं, आखिरी 10 दिनों में देखेंगे अगर कुछ रेटे नीचे आ गए। जी तो फिगर आपके साथ मैंने सिर्फ एक शॉपकीपर का एक इंटरव्यू लेकर आपको दिखाया, लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा है और मेरे वादे है कि और भी लंबी वीडियो बनाओ, लेकिन हालात इस तरह है, टाइम बहुत कम है, तो दिन जल्दी कर पहुंचना है। जी तो मैं घर की तरफ वापस जा रहा हूँ क्योंकि इफ्तारी का वक्त करीब है और मुझे काफ़ी आगे जाना है। वाले बिल्कुल फारे बैठे हुए हैं, इनके पास रश्मि नहीं है, देखने को लग रही है पास, देख सकते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि वो रश देखने को देखने को नहीं मिल रहा जिसको पिछले रमजान में नजर आता था, काफी महंगाई हो चुकी है और दुकानदार भी परेशान है कि यार किस तरह चला है। व्यूअर्स, वक्त की कमी की वजह से इसलिए मैंने आपको सिर्फ मुख्तसर वीडियो बना के दिए,
इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो बना के देंगे आपको एक बड़ी लंबी सी और डिटेल के साथ। बस अब तक सिर्फ इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ है कि सबका रमज़ान बखैर गुजरे। अस्सलामु अलैकुम।